हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ऑरेंज जैम। जैसा कि सीज़न आ गया है ऑरेंज का और मार्केट में ऑरेंज आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं आज आपको झटपट बनने वाला जैम बनाना सिखाती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई इतनी मेहनत नहीं है और जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। बहुत ईजी तरीका है और बहुत मज़े का बनता है। आपको जस्ट ऑरेंज चाहिए और इसमें शुगर चाहिए। चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से 2-3 ऑरेंज ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है और एक ऑरेंज को मैं पील कर लूँगी पीलर के साथ। आपने ध्यान रखना है, आपने जो इसका वाइट पार्ट है वो पील नहीं करना, वाइट पार्ट से जैम जो है वो कड़वा बन जाएगा। और थोड़ा सा हम जो इसको कट कर लेते हैं स्लाइसिस में बारीक बारीक से। जस्ट आपको 1 टेबल स्पून के करीब आपको इसके जो थिन स्लाइसिस करने हैं, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो जैम कड़वा बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम इसको छील लेते हैं और इसको छीलने के बाद इसके अंदर ऊपर जो वाइट वाइट स्किन है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसके सीड जो है वो हम रिमूव कर लेंगे। ऐसे ही हम तीनों ऑरेंज को पील कर लेंगे। अब हम तीनों ऑरेंज का जो है इसको पल्प को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर जो है इसका पेस्ट ऐड कर दिया है। और इसके अलावा मैं इसके अंदर 1 कप जो है चीनी ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून के करीब तकरीबन इसमें लेमन जिस्ट जो हमने किए थे पील वो ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। ये आपने ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर आपका जैम जो है वो कड़वा बन जाएगा। 2 से 3 बॉयल के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तकरीबन आपको इसमें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। आपने इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख देना है। अच्छा, जिन लोगों को जैम आमलेट नहीं पसंद तो वो सिंपल जैम बना ले। आपने ऐसा करना है कि जो मैंने ऑरेंजेस डाले हैं इसके अंदर वो आपने स्किप कर देने, वो आपने ऐड नहीं करने। जस्ट आपने पल्प को, शुगर को आपने पकने के लिए रख देना है और वाइट पार्ट इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। 20 मिनट हो गए हैं और ये जैम जो है मेरा रेडी है। इसका टेक्सचर आप देख लें, बिल्कुल थिक हो गया है। अभी हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।